गुड मॉर्निंग प्लासम क्लास सो अवर टू डिस टॉपिक इज एटॉमिक मास ठीक है एटॉमिक मास दैट इज मास वन एटम ठीक है एक एटम का मास निकालना है हमें ठीक है तो एज़ वी नो किसी भी एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं तो फर्स्ट जो हमारे पास थ्रेट है वो किसी भी एलिमेंट में से एक एटम को क्या करना था पहले तो आइसोलेट करना था ठीक है और उस एटम का क्या निकालना है हमें मास निकालना है ठीक है तो फर्स्टली ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है कि एक एटम को जो है आइसोलेट करके उसका मास निकालना है एक्चुअली अर्लियर डेज में क्या था उस टाइम पे हमारे पास इतने एफिशिएंट हाईली इक्विप्ड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे वी डोंट हैविंग इंग और इंस्ट्रूमेंट जो कि एक एटम का मास फाइंड आउट कर सके ठीक है तो उनके लिए प्रॉब्लम थी कि किस तरह से किसी भी एटम का हम मास फाइंड आउट करें ठीक है तो उन्होंने क्या किया उन्होंने एक स्टैंडर्ड ले लिया ठीक है और स्टैंडर्ड सबसे पहले लिया गया था हाइड्रोजन टू फाइंड आउट द मास ऑफ अदर एलिमेंट्स ठीक है तो हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस रख के एज़ अ स्टैंडर्ड रख के बाकी एलिमेंट्स का क्या निकाला गया उनका एटॉमिक मास निकाला गया ठीक है लेकिन ये कंसेप्ट हाइड्रोजन तो कैसे कैसे किया गया उसको पढ़ने से पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाऊंगी ठीक है आपको मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक सिलेंडर है ठीक है एक सिलेंडर है और मान लेते हैं इसको मैंने रेफरेंस लिया है मैंने इसको क्या लिया लिया स्टैंडर्ड लिया है बाकी और आर्टिकल्स को उनका मास फाइंड आउट करने के लिए ठीक है तो मान लेते हैं मैंने किसी भी ये मेरे पास कोई भी आर्टिकल है ठीक है और मुझे इसका मास क्या करना है फ़ाइंड आउट करना है तो मैंने एक तरफ़ क्या रख लिया सिलेंडर जिसको मैंने स्टैंडर्ड लिया हुआ है और उसके दूसरा में रखा हुआ है कोई भी आर्टिकल है ठीक है इसको मैंने मैंने मान लो मैंने इसका मास फाइंड आउट करना है ठीक है तो बैलेंस कर रहे हैं इन दोनों को ठीक है एक तरफ एक तरफ रखा गया है सिलेंडर और एक तरफ रखा गया है कोई भी आर्टिकल तो क्या किया मान लेते हैं कि जब मैंने दो सिलेंडर्स रखे तब जाके ये दोनों जो बैलेंस थे इनके जो दोनों पार्ट्स थे वो आपस में इक्वल हो गए ठीक है इसका मतलब क्या हुआ ये जो कोई भी आर्टिकल है इसका मास दैट इज़ इक्वल टू टू सिलेंडर्स ठीक है तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ आर्टिकल दिस इज कुछ भी हो सकता article, to, मैं है आर्टिकल इज़ कहूँगी टू सिलेंडर्स ठीक है बिकॉज आई एम यूजिंग सिलेंडर एज अ स्टैंडर्ड तो मैंने क्या लिख, लिख लिया बच्चे टू सिलेंडर ठीक है इसको ध्यान से पढ़ना है वैसे देखने को एटॉमिक मास कंसेप्ट बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही ये डीप कंसेप्ट है ठीक है मास ऑफ आर्टिकल और मान लेते हैं इसी तरह से ना एलिफेंट का जो था मास फाइंड आउट किया गया और इस तरह से ये ऑब्जर्व किया गया जब हमने हंड्रेड सिलेंडर्स को रखा तब जाके दैट बिकम्स इक्वल टू द मास ऑफ़ वन एलिफेंट ठीक है तो मैं लिख सकती हूँ मास ऑफ एन एलिफेंट एक हाथी जो है एक एलिफेंट जो है उसका मास किसके इक्वल हो जाएगा अब जहाँ मैंने टू लिखा है वहाँ मैं क्या लिखूँगी हंड्रेड ठीक है तो मैं बार बार जो है क्या स्टैंडर्ड यूज़ कर रही हूँ सिलेंडर सिलेंडर आई एम यूजिंग द वर्ड सिलेंडर ठीक है तो इसको हम ले लिया एज ए स्टैंडर्ड ले लिया ठीक है उसके बाद मान लेते हैं सिलेंडर बोलने की बजाय उसके हमने एक यूनिट तैयार कर लिया और वो बन गया के जी ये हम सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम्पल की फॉर्म में समझने के लिए आपको बता रही हूँ मैं ठीक तो है तो मान लेते हैं उसकी जगह हमने क्या यूज़ कर लिया के जी तो इन प्लेस ऑफ सिलेंडर आई एम यूजिंग द यूनिट तो एक्चुअली में सिलेंडर क्या बन चुका था इसका यूनिट ठीक है सिलेंडर की जगह हमने क्या लिख दिया के जी तो ये बन गया इसका यूनिट तो मास ऑफ आर्टिकल बिकम्स टू के जी ए तो मास ऑफ़ एन एलिमेंट बिकम्स हंड्रेड सॉरी हाँ हंड्रड के जी तो इस तरह से अब हम मेन टॉपिक में आते हैं दैट इज़ एटॉमिक मास ऑफ़ एलिमेंट्स ठीक है तो इसी तरह से ना बच्चे सबसे पहले जो था वो स्टैंडर्ड हमने किसको सेलेक्ट किया था हमने सेलेक्ट किया था विच एलिमेंट हाइड्रोजन को सेलेक्ट किया गया एज ए स्टैंडर्ड ठीक है उसके साथ कंपैरिजन करके बाकी एलिमेंट्स का क्या निकाला गया मास निकाला गया ठीक है इस तरह से बैलेंस किया गया होगा ठीक है तो हाइड्रोजन को जब कंपेयर किया बाकी एलिमेंट्स के साथ ठीक है तो जो कार्बन के साथ कंपेयर किया गया ना किस से कंपेयर किया गया कार्बन के साथ कंपेयर किया गया तो ये ऑब्जर्व किया गया कि मास ऑफ कार्बन एटम दैट इज वन कार्बन एटम वो कब इक्वल हुआ जब हमने ट्वेल्व हाइड्रोजन्स को जो था वो रखा एक तरफ देन इट बिकम्स इक्वल टू मास ऑफ वन कार्बन ठीक है तो मास ऑफ कार्बन एटम कहा गया इक्वल टू ट्वेल्व हाइड्रोजन इस तरह से ठीक है तो मास ऑफ कार्बन एटम क्या बन गया ट्वेल्व हाइड्रोजन बन गया ठीक है फिर नाइट्रोजन का मास निकाला गया तो मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इस तरह से कंपेयर किया गया रिलेट किया गया एक्चुअली में ठीक है तो ये ऑब्जर्व किया गया जब फोर्टीन हाइड्रोजन को रखा गया देन इट बिकम्स इक्वल टू द मास ऑफ नाइट्रोजन तो कहा गया मास ऑफ नाइट्रोजन एटम भी तो इन्होंने क्या यूज़ कर लिया अब फोर्टीन हाइड्रोजन ठीक है अब देखो मैं मास ऑफ कार्बन एटम ट्वेल्व हाइड्रोजन मास ऑफ नाइट्रोजन एटम फोर्टीन हाइड्रोजन तो मैं ये बार बार क्या यूज कर रही हूं हाइड्रोजन तो इसी तरह से इसके लिए भी एक यूनिट तैयार किया गया एंड दैट इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन अब जो यूनिट यूज किया गया है उसका नाम था एटॉमिक मास यूनिट ठीक है तो अब हम कहेंगे मास ऑफ कार्बन आइटम्स इक्वल टू ट्वेल्व ए एम यू मास यूनिट का शॉर्ट क्या है ए एम यू एंड मास ऑफ़ नाइट्रोजन एटम बिकम्स क्या कितना बन जाएगा फोटीन ए एम यू ठीक है तो सबसे पहले हाइड्रोजन को लिया गया था एज़ अ स्टैंडर्ड और उसके साथ कम्पेयर किया गया था बाकी एलिमेंट्स का मास ठीक है और हाइड्रोजन जो है उसका मास कितना लिखोगे फिर आप बिकॉज जैसे हाइड्रोजन है ना बच्चे वो हम यू एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं अगर मैं पूछूँ हाइड्रोजन का मास कितना होगा फिर इन इन टर्म्स ऑफ ए एम यू इट बिकम्स टू वन ए एम यू इट्स मास इज इक्वल टू वन एम यू ठीक है तो इस तरह से ना हाइड्रोजन के साथ कंपैरिजन करके हमने बाकी एलिमेंट्स के एटम के क्या फाइंड आउट किए मास फाइंड आउट किए ठीक है तो इससे हम ये समझे कि uh, जो मास ऑफ कार्बन एटम है ये 12 टाइम्स इसका मास जो है ना कार्बन के 12 टाइम मोर एज कम्पेयर टू मास ऑफ हाइड्रोजन इन द मास ऑफ़ नाइट्रोजन एटम इज़ फोर्टीन टाइम्स मोर एज कम्पेयर टू मास ऑफ हाइड्रोजन ठीक है और एटम के मास को फाइंड आउट करने के लिए हमने कौन सा यूनिट यूज़ किया ए एम यू डेट इज़ एटॉमिक मास यूनिट ठीक है अच्छा लेकिन हाइड्रोजन को ना जब हम स्टैंडर्ड यूज कर रहे थे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या ये हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी इट वाज रिएक्टिंग वेरी फास्ट एंड इट कैन कैच फायर वेरी इजीली एज वी नो दैट ठीक है इस वजह से हाइड्रोजन को जो था रिप्लेस किया गया विद ऑक्सीजन ठीक है फिर क्या हमने स्टैंडर्ड रखा ऑक्सीजन रखा स्टैंडर्ड ठीक है लेकिन ऑक्सीजन में फिर क्या प्रॉब्लम आना शुरू होगी कि जो ऑक्सीजन है इसके बहुत सारे आइसोटॉप्स हैं ऑक्सीजन 16 है ऑक्सीजन 17 है ऑक्सीजन 18 है ठीक है तो इस तरह से ऑक्सीजन को भी फिर जो था उसको स्टैंडर्ड से हटा लिया गया उसके बाद जो हमने स्टैंडर्ड यूज़ किया जिसके साथ कंपेरिज़न किया गया बाकी एलिमेंट्स को और वो था कार्बन ठीक है तो पहले देख लेते हैं कंडीशंस क्या हैं कि हमने क्यों एंड में कार्बन को ही सिलेक्ट किया तो कंडीशंस फोर्थ स्टैंडर्ड क्या है हमारे पास ठीक है यहाँ पे है अबंडेंस एक तो एलिमेंट ना काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए ताकि हम उसको बार बार यूज़ कर सकें बाकी एलिमेंट्स बाकी आइटम्स के मास फाइंड आउट करने के लिए ठीक है तो कार्बन हमें काफ़ी अबंडेंस मिल जाता है ठीक है ना मोस्ट रिएक्टिव नो लीस्ट रिएक्टिव इतना ज़्यादा रिएक्टिव भी ना हो जस्ट लाइक इट जस्ट इक्वल टू हाइड्रोजन की वो एकदम से फायर कैच कर ले और रिएक्शन करना और ये कैलकुलेशन uh, करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाए और बहुत कम भी रिएक्टिव ना हो ठीक है अगर बहुत ही कम रिएक्टिव हुआ ना कोई भी एलिमेंट ठीक है तो उसको हम वैसे ही यूज़ नहीं कर पाएंगे किसी भी कैलकुलेशन uh, में भी प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे ठीक है आप उसके बाद है नो no एसोटॉप्स अब ऐसा एलिमेंट हो जिसकी आइसोटॉप्स ना हो ताकि हमें कोई फ्लक्चुएशन ना हो कोई हमें प्रॉब्लम uh, ना हो डिफ़िकल्टी ना हो कि अब हमने जैसे कि मान लो कि मैंने ऑक्सीजन की बात की ठीक है तो अगर मान लो मैंने ऑक्सीजन लिया है गलती से इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन सिक्सटीन मेरे पास ऑक्सीजन सेवनटीन आ गया तो मास जो है उसके अकॉर्डिंग आएगा और सारी कैलकुलेशन क्या हो जाएंगी गलत हो जाएंगी लेकिन अच्छा लेकिन अब हम कार्बन यूज़ कर रहे हैं ना बच्चे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि कार्बन के भी तो आइसोटॉप्स होते हैं कौन कौन से होते हैं कार्बन ट्वेल्व एंड कार्बन 14 है ना क्वेश्चन आया दिमाग में लेकिन बच्चे कार्बन फिर भी कार्बन को देखो कार्बन की ये जो कंडीशन है फर्स्ट अबंडेंस और ये सेकेंड कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है लेकिन थर्ड कंडीशन आपको लग रहा है कि इसके आइसोटॉप्स तो हैं फिर भी इसको क्यों लिया हमने एज अ स्टैंडर्ड तो बच्चे क्या है कि जो कार्बन ट्वेल्व है ये नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट मिलता हमें और ये कार्बन फोटीन जो कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है ये इसकी जो अबंडस है ये इसकी जो प्रेजेंस है न दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू नेग्लिजिबल ठीक है तो इस वजह से ये कार्बन बाकी की दो कंडीशन फुलफ़िल कर रहा था तो थर्ड को थोड़ा सा नेग्लिजाइज किया गया नेग्लिजाइज भी क्यों किया गया एज वी नो that इसकी जो एसोटॉप्स uh, में बहुत अबंडस में एक ही है दैट इज़ कार्बन ट्वेल्व और ये बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में है इसको हम नेग्लीजाइज कर सकते हैं तो इस वजह से हमने कार्बन को लिया एज अ स्टैंडर्ड अच्छा लेकिन अब कार्बन का मास तो अगर हमने कहा कितना मास है कार्बन का ए एम यू में दैट इज़ इक्वल टू ट्वेल्व ए एम यू ठीक है तो हाइड्रोजन को कंपैरिजन करना इजी था बिकॉज उसको हमने क्या लिया था वन एम यू लिया था तो हम कह रहे थे कि जिस कार्बन का ट्वेल्व टाइम्स बड़ा है तो ट्वेल्व ए एम यू आ गया नाइट्रोजन का फोर्टीन टाइम्स ज़्यादा था तो कितना आ गया फोर्टीन ए आ गया लेकिन कार्बन का तो खुद का ही ट्वेल्व ए है तो इसके साथ हम कैसे रिलेट करें बाकी एलिमेंट्स के मास को ठीक है तो क्या किया गया जो भी बाकी एलिमेंट्स का मास आ रहा था इसके साथ कंपैरिजन करके उस मास को हम 12 के साथ क्या कर रहे थे डिवाइड कर रहे थे ठीक है तो अगर हम इसे मान लो कि कोई भी मास किसी का आ रहा है ठीक है अगर आपने ट्वेल्व से डिवाइड किया ना उसको तब वो उसका एग्जैक्ट मास आएगा बिकॉज ट्वेल्व से डिवाइड करने पर कार्बन का खुद का मास कितना बन जाएगा बच्चे ए ठीक है और तब जाके उसका जो एग्जैक्ट मास आ सकता है ठीक है तो अगर आप कहें कि वट इज़ एम यू वन एम यू क्या है ठीक है इट इज मा वन ए एम यू जो है कार्बन की सेंस में अगर हम इसको डेफिनेशन देना चाहें इट इज इक्वल डू वन ट्वेल्थ मास ऑफ वन कार्बन ट्वेल्व एटम दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वन एम यू ठीक है वन एटॉमिक मास यूनिट ठीक है ये जो यूनिट है ये किसके इक्वल है कार्बन जो है वो भी कौन सा वाला कार्बन ट्वेल्व कहा मैंने कार्बन ट्वेल्व का जो मास है उसका ट्वेल्थ पार्ट दैट इज इक्वल टू डेफिनेटली अगर ट्वेल्थ पार्ट आप लोगे दैट इज इक्वल टू वन एम यू ठीक है इसके लिए बड़ा सिंपल से मैंने आपको ना ये देखो ये बनाया मान लेते हैं दिस इज अ कार्बन ठीक है ये मेरे पास ये मेरे पास कार्बन मान लेते हैं ठीक है तो मैंने कार्बन को ना ट्वेल्व पार्ट्स में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया कर दिया और ये अब मैंने डिवाइड क्यों किया है अब इसका ना ये जो एक पार्ट है ना बच्चे ये वाला जो एक पार्ट है ठीक है ये वाला ये मास जो है किसके इक्वल होगा दिस इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन ये एक पार्ट से दिस इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है एंड मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वन एम यू अब यानी कि अगर मुझे कार्बन का मास जो है हाइड्रोजन के इक्वल करना है ठीक है तो मुझे ऐसे ऐसे कितने हाइड्रोजन जो है रखने पड़ेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व अगर मैं बारह हाइड्रोजन्स को रखूंगी यहाँ पे देन द मास ऑफ हाइड्रोजन्स बिकम इक्वल टू मास ऑफ कार्बन तो कितने हाइड्रोजन यूज किए मैंने बारह हाइड्रोजन यूज किए देन इट्स बिकम टू मास ऑफ वन कार्बन ठीक है तो वन ए एम यू की डेफिनेशन हमने यहीं से निकाली वट इज वन एम यू जब मैंने जो कार्बन का कर... पूरा का पूरा मास है उसको वन उसको बोलेंगे ट्वेल्व से क्या किया जब डिवाइड किया डेफिनेटली इट विल गिव मास ऑफ हाइड्रोजन एंड दैट इज इक्वल टू वन एम यू क्लियर ओके क्लियर तो इस तरह से आलिया डेज में किसी भी एटम का क्या फाइंड आउट किया गया मास ठीक है लेकिन जैसे जैसे टाइम जो था स्पेंड होता गया उस तरह उसके बाद ना हमारे पास एक मास स्पेक्ट्रोमीटर डिस्कवर हुआ ठीक है इसका नाम था मास स्पेक्ट्रोमीटर और ये इंस्ट्रूमेंट जो है इट इज़ कैपेबल टू फाइंड आउट द मास ऑफ वन ऐटम ईवन एक एटम का मास भी फाइंड आउट कर सकता था ठीक है और ये ग्राम्स में इसने हमें फिर इंस्ट्रूमेंट हमारे पास इन्वेंशन होगी ठीक है तो बहुत ईजीली हमने किसी भी एटम का जो मास था वो ग्राम से फाइंड आउट कर लिया ठीक है तो इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके ना जो कार्बन के एक ऐटम का मास था वो निकाला गया कार्बन ट्वेल्व वन कार्बन टवेल्व एक्चुअली में जो कार्बन एटम जो है एक कार्बन एटम का मास ग्राम्स में कितना होता है बच्चे वो होता है वन पॉइंट नाइन नाइन इंटू टेन रेस्ट पा माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम ये एक्चुअल मास है कार्बन का जो हम कहते हैं ना कार्बन ट्वेल्व ए एम यू ठीक है ये तो रिलेटिव मास हुआ रिलेटिव मास कैसे बोलेंगे रिलेट किया ना हमने हाइड्रोजन वाले हाइड्रोजन से किया फिर कार्बन से किया तो इस तरह से ये रिलेटिव मास लेकिन एक्चुअली में ग्राम्स में कार्बन के एक एटम का मास इतना होता है ठीक है यहाँ से हम ना ए एम यू की एक और जो है वैल्यू निकाल निकाल रहे हैं वन ए एम यू हमने का क्या कहा मास ऑफ वन कार्बन एटम अपॉन ट्वेल्व ये किया ना पीछे हमने तो वन ए एमयू हो जाएगा मास ऑफ वन कार्बन एटम इन ग्राम्स में कितना है माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम्स अपॉन क्या किया मैंने ट्वेल्व ठीक है ये समझ में है बट इज ए एमय कैसे किया किया हमने बट वट वॉज ए एम यू हमने कहा जो ए एम यू है इट इज इक्वल टू वन बाय ट्वेल्व द मास ऑफ वन कार्बन एटम ठीक है तो वन बाय ट्वेल्व किया मास ऑफ वन कार्बन आइटम इज इक्वल टू दिस और इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे इट कम्स आउट टू बी वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन डिस्ट पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम्स ठीक है अच्छा ये जो वैल्यू है ना बच्चे आपको पता है एवोगेड्रोस नंबर पता ना एवोगेड्रोस नंबर क्या होता है इट इज़ इक्ल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेन डिस्टू पावर ट्वेंटी थ्री ठीक है अगर आप इसका रेसिप्रोकल लोगे वन अपॉन एवोगेड्रो नंबर करते हो और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे सॉल्व करोगे तब ये वैल्यू जो है ना वन बाय एवोग्रोज नंबर दिस बिकम्स इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स सिक्स टेन बा माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम तो क्या इस वैल्यू को मैं वन अपॉन एवोगेड्रोज नंबर लिख सकती हूँ एवोकेड्रोज नंबर को आप एन नॉट की फॉर्म में या एन ए की फॉर्म में लिखते हैं ठीक है तो इस वैल्यू को जो कि रेसिप्रोकल ऑफ एवोकेड्रो है दैट बिकम्स इक्वल टू वन अपॉन एन ए और साथ में आपके पास क्या गया आ गया इसमें ग्राम्स आ गया ठीक है तो ये हमारे पास एक और क्या आ गया बच्चे हमारे पास एक और क्या गया? आ गया रिलेशन आ गया क्लियर अच्छा तो हमारे पास क्या रिलेशन की वन ए एम यू जो है दिस इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स सिक्स ग्राम में इसकी वैल्यू आएगी माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम एंड आल्सो इक्वल टू वन बाई एन ग्राम ठीक है तो ग्राम में अगर आपसे द वैल्यू ऑफ वन एम यूट इज इक्वल वन पॉइंट सिक्स इन टू टेन इज माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम ठीक है अच्छा आप इसको यूज करके आप किसी भी एटम का मास जो है वो ग्राम में निकाल सकते हैं कैसे निकालोगे देखो अब मैं निकाल रही हूँ मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन का कौन सा वाला स्टॉक और सिक्सटीन एटम अगर मुझे ऑक्सीजन के एक एटम का मास निकालना है तो मैं क्या करूँगी जो वन एज एज वी नो दैट इसका अगर ए एमयू में मास कितना होता है बच्चे दैट इज सिक्सटीन ए एम यू पढ़ा हमने इक्वल टू सिक्सटीन ए एमयू पता है आपको जो नाइट्रोजन का निकाला आपने फोर्टीन ए एम यू कार्बन का ट्वेल्व ए एम यू तो इसका कितना होगा सिक्सटीन ए एमयू ये ए एम यू में निकाला ठीक है एंड ग्राम में निकालना चाहें तो इसका मास देखो सिक्सटीन इंटू वन एम यू ना एक्चुअली में तो सिक्सटीन इन टू क्या कर दोगे ए एम यू ग्राम में कितना है वन पॉइंट सिक्स सिक्स टेन डिस्टू पा माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम तो इसको कैलकुलेट करोगे आपका जो ऑक्सीजन एटम का एक एटम का मास वो किस में आ जाएगा ग्राम्स में भी आ जाएगा ठीक है दिस इज ऑल अबाउट द एटॉमिक मास ठीक है तो एटॉमिक मास एक्चुअली में क्या है इसको रिलेटिव मास एटॉमिक मास को एक्चुअली हम कहते हैं रिलेटिव मास ठीक है mass, क्या कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं बिकॉज हमने इसको रिलेट करके पहले इसको रिलेट करके हमने क्या था एटॉमिक मास फाइंड आउट किया था क्लियर अच्छा अब इसके साथ ही ना हम एक और डेफिनेशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं ठीक है इसी के साथ कनेक्टेड है ये मोलर मास वैसे मोल कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे लेकिन हम थोड़ा सा आपने नाइन्थ में पढ़ा है ठीक है तो मैं साथ में इसे रिलेट कर रही हूँ मोलर मास ठीक है वन मोल जो होता है बच्चे वन मोल में कितने पार्टिकल्स आते हैं दैट इज़ इक्वल टू एवोगाड्रोज नंबर पढ़ा आपने सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेन रेज टू पावर ट्वेंटी थ्री ठीक है और मोलर अभी हम मास की बात कर रहे हैं मोलर मास ठीक है तो ये मास है मास ऑफ हाउ मैनी मोल्स मास ऑफ वन मोल अगर किसी भी सब्सटेंस के वन मोल का हम मास निकाल रहे हैं और मोलर मास हमेशा हम किस में निकालते हैं बच्चे ग्राम्स में निकालते हैं तो मोलर मास की डेफिनेशन क्या हुई मास ऑफ वन मोल ऑफ अ इन ग्राम ठीक है तो यहीं से हम कुछ रिलेशन फाइंड आउट करने वाले हैं मोलर मास निकालने जा रहे हैं हम किसी एक हम निकालने जा रहे हैं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स अच्छा अगर मैं कहूँ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम तो कितने एटम्स आएंगे उसमें दैट इज इक्वल टू मास ऑफ वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम वन मोल ऑक्सीजन एटम्स ठीक है ना अगर मैंने मोलर मास की बात कर रही हूँ यानी कि आई एम फाइंडिंग आउट द मास ऑफ वन मोल ऑक्सीजन एटम्स ठीक है तो वन मोल ऑक्सीजन एटम्स का मास जो है वो कैसे निकालोगे ठीक है आप क्या कर दोगे आप मास ऑफ वन एटम एक एटम का ऑक्सीजन एटम का मास जो है उसको अगर आपके पास एक ओ का मास है तो आप उसको एवोगैड्रोज नंबर के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो दैट विल गिव द मास ऑफ़ वन मोल ऑक्सीजन एटम एक का मास है आपके पास तो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो बिकॉज एज यू नो वन मोल में कितने आपके पास एटम्स आएंगे इक्वल टू एवोगेड्रोज नंबर ठीक है तो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना होता है बच्चे ए में दैट इज इक्वल टू सिक्सटीन ए ठीक है ए क्यों लिखा मैंने बिकॉज इट इज मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम मैंने उसकी वैल्यू लिखी है सिक्सटीन ए एम यू नंबर एन ए लिख दिया मैंने सेम टू सेम वैसा ठीक है अच्छा पीछे अभी हमने किया रिलेशन क्या रिलेशन किया कि जो वन ए है वन ए एम यू देखो यहाँ पे वन ए एम यू है क्या ये वन अपॉन एन ए ग्राम के इक्वल है है ना वन ए एम यू इज इक्वल टू दिस एंड ऑल्सो इक्वल टू वन अपॉन एन ए इन टू ग्राम तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो सिक्सटीन तो साथ में मल्टीप्लाई यानी कि साथ में वन ए एम यू है तो सिक्सटीन के साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं वन अपॉन एन ए इंटू ग्राम और साथ में आगे तो एन ए लगा ही हुआ है ठीक है इससे क्या हुआ एन से एन क्या हो गया कैंसल्ड हो गया आपके पास कितने ग्राम्स आ गए सिक्सटीन ग्राम्स आ गए तो यानी कि मोलर मास ऑफ ओ एटम्स बिकम इक्वल टू तो सिक्सटीन ग्राम ठीक है अगर मैं सिक्सटीन ग्राम की जगह क्या लिखूंगी सिक्सटीन एम यू तो डिफ्रेंस आएगा बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं सिक्सटीन ग्राम और सिक्सटीन एम यू सिक्सटीन ग्राम जो है ये है मास ऑफ वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम यानी कि 16 ग्राम्स के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम्स आएंगे 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन डेज टू पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ठीक है तो 16 ग्राम इक इज इक्वल टू द मास ऑफ इतने ऑक्सीजन एटम्स ठीक है 16 एएमयू एम जो होगा ठीक है ये ध्यान से समझना है इट इज द मास ऑफ ओनली वन कार्बन एट ना सॉरी कार्बन नहीं वन ऑक्सीजन एटम ठीक है तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ग्राम एंड ए एमयू न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी मोलर मास में भी किसी एलिमेंट की और एक एटम ए एम यू में भी क्या रहेगी सेम रहेगी लेकिन डिफरेंस किस में आएगा यूनिट्स में अगर ग्राम आ गया तो वो वन मोल ऑफ सब्सटेंस का मास हो जाएगा अगर ए एमयू है दैट इज़ इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ठीक है आप देखो सिंपल यहाँ लिखती हूँ ठीक है अगर मैंने ना कार्बन के ना दो मासेस लिखे हैं. एक मैंने लिखा फोर्टीन ग्राम और एक मैंने लिखा है फोर्टीन ए एम यू ठीक है तो फटाफट से आप समझ जाओगे कि फोर्टीन ए एम यू में कितने एटम आएंगे नाइट्रोजन के ओनली वन वन एटम और फोर्टीन ग्राम जो है इट इज़ अ मास ऑफ वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम यानि कि यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एटम्स आएंगे इक्वल टू इतने तो फोर्टीन ग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ इतने नाइट्रोजन ऐटम्स एंड फोर्टीन ए एम यू इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन एटम ठीक है एंड दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा